अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? We have finished our chapter 9. Today we have finished our last topic. Now we'll start the exercise or review question. Right. बेटा ओपन योर बुक्स, एक्सरसाइज ओपन कर लें। नाउ टेक द कॉपी पेंसिल और कॉपी और पेन। यस्टरडे आई टोल्ड यू, ठीक है, रख लें जब तक मैं देखती हूँ। मैं भी खोल लूँ, आप भी खोल लें। रिव्यू क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 16। Let me share the screen also. Okay, the first question. Encircle the correct answer. Which is true about the equilibrium state? D option is correct. Number two, when a mixture of hydrogen and iodine is sealed in a flask and temperature is kept at 25 degrees C, following equilibrium is established. H2 plus I2 to HI. Which substance or substance which be present in the equilibrium mixture? Equilibrium mixture mein kaun sa substance present hoga? So which one is correct? You know that in equilibrium mixture reactants and products both are present. So D option is correct option, right? Now what are the units of the following equation? N2 plus O2 to NO2. अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें देन देयर इज नो यूनिट्स। और एक और इसका ट्रिक्स होता है, अगर आप सॉल्व नहीं करते ऐसे एमसीक्यूज में आता है तो आप देखें प्रोडक्ट आपका 2NO है और रिएक्टेंट है N2 plus O2, तो दैट इज कंसंट्रेशन N2 कंसंट्रेशन O2, तो इसमें भी 2 यूनिट्स हैं और ये रेज्ड टू पार्ट 2 है, तो दोनों कैंसिल हो गए, दैट मींस नो यूनिट्स। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट फॉर KC? कौन सा ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई यूनिट नहीं है? फर्स्ट देखें H2 plus CO, H2O CO, प्रोडक्ट भी 2 हैं और रिएक्टेंट भी 2 हैं, विच मींस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में कोई यूनिट्स नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो गए। सेकंड देखें N2 plus O2 2NO, प्रोडक्ट रेज टू पार्ट 2 है और नीचे रिएक्टेंट्स N2 plus O2 2 ही रिएक्टेंट्स हैं, बोथ आर कैंसिल, ठीक है, सो नो यूनिट्स। नेक्स्ट 2A plus B 3AC, प्रोडक्ट इज रेज टू पार 3 एंड रिएक्टेंट्स आर A रेज टू पार 2 एंड B रेज टू पार 1, सो 3 यूनिट्स, ऊपर भी 3 है, बोथ आर कैंसल्स, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम मींस अनचेंज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज नॉट चेंज, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट चेंज, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंज, सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज, राइट। नाउ नेक्स्ट रीड करें। नेक्स्ट इज फॉर विच रिएक्शन केसी हैज यूनिट ऑफ मोल डेसीमीटर 2-3, जरा थोड़ी देर इसको सॉल्व कीजिएगा फिर अभी पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। विच ऑप्शन हम देखते हैं,
कौन सी ऑप्शन है करेक्ट, अभी हम देखते हैं। ठीक है, जी विच ऑप्शन, ए है सेवन नंबर, और सेवन नंबर में आपके पास ऑप्शन है ए। ठीक है, क्योंकि आप देखें इसके प्रोडक्ट जो है N2O4, ठीक है N2O4, और रिएक्टेंट में आपके पास NO2 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एट, नंबर एट, इन एन इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन establish quickly, establish slowly or never establish, जी कौन सा होगा, never establish। तो option C is correct। Now next आ जाए, active masses means total mass of reactant, total mass of product, total mass of reactants and product, mass of substance mole per decimeter cube in a dilution, कौन सा correct है, C। For a reversible reaction, Kc is equal to C square over concentration A and B. Which substance is product of the reaction? कौन सा product होगा जो denominator के ऊपर है, that is C, concentration C is the product. So इसमें कौन सा option correct है, D option. ठीक हो गया, now next आ जाए, next question, question number टू, ऑलमोस्ट ये पूरा क्वेश्चन आपने किया होगा, लुक एट दिस क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, वी हैव डन इन नोट्स, राइट। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, सेम थिंग, डन इन नोट्स। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है ये भी हो गया। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन, ये भी फोर पॉइंट्स मैंने कल ही आपको बताया, ठीक है, और लिखवाए। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, इसमें मैंने जो नोट्स हैं इसमें सिर्फ मैंने आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म, रिएक्शन क्या है 3O2, it will give you 2O3, for this reaction equilibrium constant expression, pehle aapne equilibrium constant expression likha hai, theek hai, equilibrium constant expression likha aapne, kya aaya, ye hai aapke paas equilibrium constant expression, ye dekhe, Kc is equal to concentration of product, ye aapke paas product hai O3 raised to power 2, aur ye aapke paas reactant hai O2 raised to power 3, ठीक है, ये Kc हो गया। नाउ फाइंड आउट द नेक्स्ट क्या है, डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ, डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, यूनिट्स क्या होंगे, Kc इज इक्वल टू, अब इसके यूनिट्स आप साथ साथ लिखते हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 रेज टू पावर 3। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे, ऊपर 2 टाइम्स यूनिट्स होंगे, नीचे आपके पास 3 टाइम्स आएंगे, ठीक है, तो 2 टाइम्स को आप इस तरह काट देंगे तो आपके पास सिंगल रह जाएगा, नीचे सिंगल हो जाएगा, आपके पास आएगा Kc इज इक्वल टू 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास आएगा इसको, आप किस तरह करेंगे कि Kc is equal to, जब आप 1 खत्म करेंगे तो मोल रेज टू पावर ऊपर जाके माइनस 1 हो गया, मोल रेज टू पावर 1 है ना, तो ऊपर जाके जब होगा तो माइनस 1 होगा, और डेसीमीटर जो क्यूब है ये प्लस 1 हो गया, ठीक हो गया, ये आपका आंसर। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन मेरा ख्याल है कि आप लोग खुद ही लिख लेंगे, इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक दफा आपको यहाँ बता दूं ताकि आपको, कि 3O2 विल गिव यू 2O3, दिस इज फॉरवर्ड,
और रिवर्स क्या होगा, 2O3 इट विल गिव यू 3O2। ठीक है, अगर जिसको नहीं आता वो यहां से देख के लिख ले अपनी नोटबुक पे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Welcome to the next question. लिख लिया आप लोगों ने? जिसने लिख लिया है तो बता दें, वो मैं रेज करने लगी हूँ, ठीक है? उसके बाद आप घर से आराम से लिख लेंगे, बाद लिख सकते हैं, ठीक है? Now move to the next slide. Question number 4. Coal react with hot steam to form CO and H2. These substances react further in the presence of catalyst to give methane and water gas. So there is a reaction CO plus 3H2, it will give you CH4 plus water. So kya karna hai, right forward reaction and reverse reaction. Right forward reaction and reverse reaction, ye aapke paas aayega forward reaction. Ye dekhen, ye forward reaction hai. Plus, this one is forward reaction, CO plus 3H2, CH4 plus water. Or reverse reaction, ye hai aapke paas, CH4, water, it will give you CO3H2. Now, how you will get KC, value of KC? KC mean concentration of product. Agar ek hai, toh do hai, toh multiply karke likh lijiye, theek hai? So, ye aapke paas aa gaya, concentration of product. Kaun kaun se product hai aapke paas? CH4 aur water. इसको हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CH4 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O. नीचे आपके रिएक्टेंट आ जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO प्लस मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 3. ठीक हो गया? नाउ राइट डाउन द यूनिट्स. CH4 की जगह लिखा आपने मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3. वाटर की जगह आपने लिखा मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3. टू टाइम्स होंगे यूनिट्स. नाउ डिवाइडेड बाय CO की जगह आपने लिखा मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3, H2 की जगह लिखा मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 रेज टू पावर 3. ठीक है, तो आपके पास अगर आप डायरेक्ट काटना चाहें, कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 1, 2 ऊपर 2 है, नीचे 3, 4 है. तो इसका मतलब है इसमें से 2 कट गए, 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास 2 रह गया. KC इज इक्वल टू ये, KC इज इक्वल टू 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 रेज टू पावर 2. ठीक है, KC ये आपके पास आएगा, KC इज इक्वल टू 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर आ गया. अब आप इसने ऊपर लेके जाएंगे इसको, जैसे 1 खत्म करेंगे न्यूमरेटर में, तो 2 के साथ अपने मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई. सो 2 के साथ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, मोल ऊपर जाके -2 हो गया, मोल रेज पावर -2 और डेसीमीटर क्यूब 2, 3 = 6, -6 हो गया. और ये -6 जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा डेसीमीटर क्यूब +6. ठीक है, मोल माइनस हो गया, पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब 2, 3 = 6, -6. जब आपने डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके गए तो आपके साइन चेंज हो जाते. सो मोल जो स्क्वायर था वो -2 हो गया एंड डेसीमीटर क्यूब -6 था तो 6. क्लियर हो गया? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 5. Write the equilibrium constant expression for each of the following reaction. I think it's very easy. It's very easy. First wala main kar deti hu, isme 1/2 hai, baki aapko mera khayal hai main yahan par likh diya, yahi bahut hai. Iske aage fir chalenge hum, theek hai? Ab ye apne first hai water. It will give you hydrogen plus half. To isme KC की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? KC इसमें आप KC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे?
लिखें आप इसको, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन रेज टू पावर वन होगा, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन रेज टू पावर वन ओवर टू, क्योंकि इसकी रेज टू पावर वन ओवर टू होगा, और नीचे क्या है कंसंट्रेशन वाटर H2O और इसकी रेज टू पावर कोई भी, ठीक है, ये आपके पास आ गया KC की वैल्यूज, ठीक है। बाकी आप खुद से लिख लीजिएगा KC जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहां पर दो प्रोडक्ट्स हैं वहां उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जहां पर सिंगल है उसको सिंगल लिख देंगे, और सेम इज द वे सेम इज विद रिएक्टेंट्स, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, COCl2 इट विल गिव यू CO प्लस Cl2, कितने रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, एक रिएक्टेंट है COCl, प्रोडक्ट कितने हैं, टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो KC की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ CO मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज COCl2, ये एक ही कंपाउंड है COCl2, इसको अलग से नहीं लिखना, कुछ बच्चे इसको अलग से लिख रहे हैं। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ यूनिट्स, क्या वैल्यू यूनिट्स की होगी, मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3, तो एक इसके साथ कैंसिल हो गया आपके साथ, इसको कैंसिल कर देंगे एक को एक के साथ दूसरे के साथ, आपके पास क्या रह गया है, मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3, ठीक है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, H2I2 बहुत दफा कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HI रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और आपके पास आयोडीन, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इसके यूनिट्स डालेंगे, एक यूनिट उसके साथ कट गया और एक उसके साथ कट गया, क्योंकि टू यूनिट्स प्रोडक्ट में है और टू यूनिट्स ही आपके रिएक्टेंट, सो दोनों कैंसिल हो गए, दैट मीन्स नो यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, 2H2 प्लस O2 2H2O, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज वाटर रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट्स है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है, हाइड्रोजन की 2 पावर है, इसकी जगह पर आप लिखेंगे मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 रेज टू पावर 2, ठीक है, और फिर आपके पास आएगा मल्टीप्लाइड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 ऑक्सीजन की जगह, तो क्या होगा, कैंसिल हो गया आपके पास, ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, आपके पास रह गया 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब, KC इज इक्वल टू 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3, और जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाते हैं तो फिर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा मोल माइनस 1 डेसीमीटर क्यूब यानी प्लस 3 आई, ठीक हो गया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, N2 प्लस 2O2 प्रोडक्ट इज 2NO2 NO2 रेज टू पावर 2, ठीक है, और रिएक्टेंट देर आर टू रिएक्टेंट्स N2 raised to power 1, second reactant is O2 raised to power 2, there is a multiply ka sign, no plus sign, okay? Now put the values of units, units ki value likhenge aap, mole decimeter cube minus 3 raised to power 2 divided by mole decimeter cube minus 3
मल्टीप्लाई बाय मोर डेसीमीटर क्यूब माइनस क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैंसिलेशन, ये स्क्वेयर है ये भी स्क्वेयर है, दोनों को आप कैंसिल कर दो, दोनों स्क्वेयर्स कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस क्यूब। अगेन आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके गए, आपके पास आ गया मोल माइनस 1 डेसीमीटर क्यूब 3, ठीक हो गया, मोल माइनस 1 क्योंकि नीचे प्लस 1 था, जब आप न्यूमिनेटर में लेके गए तो माइनस 1 गया, और डेसीमीटर क्यूब नीचे माइनस 3 था, जब आप ऊपर लेके गए तो डेसीमीटर क्यूब प्लस। क्लियर हो गया बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। आंसर इसका पेज नंबर 12 पे है, एक पैराग्राफ है, वो आप डायरेक्ट नोटबुक पे लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, उसकी मैक्रोस्कोपी मैंने आपको नोट्स में लिखवाई, ठीक है, ये भी आप वहीं से लर्न करें। नाउ कम टू द थिंक टैंक, थिंक टैंक का क्वेश्चन देखें बाप, इसमें क्या है, क्वेश्चन इज ब्रोमीन क्लोराइड BrCl डीकंपोज टू फॉर्म क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फॉर दिस रिएक्शन राइट द केमिकल रिएक्शन Kc एक्सप्रेशन एंड यूनिट ऑफ Kc। इक्वेशन आपने खुद लिखनी है, अब कैसे लिखनी है, उसने बोल दिया आपको कि ब्रोमीन क्लोराइड फॉर्मूला भी दे दिया BrCl, ठीक है, उसने कहा है कि ये डीकम्पोज होता है, इसका मतलब है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में नहीं आएगा, ये रिएक्टेंट है, डीकम्पोज होता है, उसने कहा किस किस में, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये है आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, इट इज डीकम्पोज, डीकम्पोज का मतलब है, होता है कि ब्रेकअप, ये इसमें ब्रोमीन और क्लोरीन में डीकम्पोज हुआ, तो आप लिखेंगे Br2 प्लस Cl2, ठीक है। अब जब आपने ये लिख लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा है BrCl, इट विल गिव यू Br2Cl2, और जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है तो द इक्वेशन शुड बी बैलेंस, बैलेंस होनी चाहिए ना, आपने इक्वेशन इस तरह लिख ली, आप देखें इक्वेशन बैलेंस नहीं है, Br2 है यहाँ पर और यहाँ पर Cl2 है, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल सिंगल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे इस साइड पे, तो ये इक्वेशन बैलेंस, ठीक है, ये ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है, आप देखेंगे इसको, ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी है 2BrCl, इट विल गिव यू Br2+Cl, ठीक है। जब ये इक्वेशन लिखेंगे आप, तो फिर उसके बाद आप इसका केसी वैल्यू, अब देखें ये आपका यहाँ पर जो आंसर है आपके डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन, अगर आपने ये रिवर्स इक्वेशन लिखी, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया Br2+Cl2, इट विल गिव यू BrCl, तो सारा प्रोडक्ट आपका गलत हो जाएगा, केसी भी गलत हो जाएगी, यूनिट्स भी गलत, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन सही लिखनी है, इक्वेशन लिखने के बाद फिर आप केसी लिखेंगे, तो प्रोडक्ट क्या आपके पास है, ब्रोमीन और क्लोरीन, कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नीचे आप रिएक्टेंट्स आ जाए, रिएक्टेंट आपके पास है BrCl रेज टू पावर 2, ठीक हो गया, रेज टू पावर 2, ये केसी की वैल्यू आ गई आपके पास, नाउ पुट आउट, पुट द वैल्यू ऑफ यूनिट्स, मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3, मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3, और नीचे भी 2 टाइम्स आ, इसका मतलब है कि दोनों आपके कैंसिल हो गए आपके पास, ठीक है, ये भी आपने कैंसिल कर दिया और ये भी आपने कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब है नो, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, केसी एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज गिवन बिलो, आपको केसी एक्सप्रेशन दिया गया, क्या करना है आपने, यहाँ इक्वेशन नहीं दी, आपने लिखना है चूज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड ड्राइव द यूनिट्स ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन, इसका मतलब है कि आपने इसमें से चूज करना है प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्टेंट कौन सा, ठीक है, आपने चूज कर लिया, प्रोडक्ट आपके माइंड में है, जब भी आप केसी की वैल्यू लिखते हैं प्रोडक्ट का कहाँ लिखते हैं आप, ऊपर, आपके केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है, ठीक है,
इक्वेशन लिखने के लिए रिएक्टेंट यू ऑलवेज राइट रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड. तो आप इसकी इक्वेशन लिख लेंगे ये एन टू ओ फोर जो नीचे लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट है ना आपका. इट विल गिव यू टू एन ओ टू ये आपकी इक्वेशन ठीक है क्योंकि ये आपने रिएक्टेंट लिखा जो एसी की वैल्यू में नीचे लिखा हुआ है और प्रोडक्ट ऊपर है ठीक है. ये आपकी नो नो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द यूनिट्स. यूनिट्स आप लिख लें NO2 की जगह मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 रेज पावर 2. नीचे लिख लें मोल डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1 क्योंकि 1 है. अब इसको आपने कैंसिल किया इसके साथ ये 2 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 1. 2 है ऊपर 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया तो 1 यूनिट आपके पास है मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस. तो आंसर आपका क्या होगा उसमें ब्रैकेट हटाएंगे आप ब्रैकेट के साथ नहीं लिखते मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3. दिस इज द आंसर ठीक है. यानी आपने कहीं इक्वेशन लिखनी है कहीं आपको केसी की वैल्यू दी हुई है आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है कहीं आपको इक्वेशन गिवन है तो आपने उसके आगे कुछ और वो दूसरा लिखना है साथ. क्लियर हो गया ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स आर बोथ For which of the following reactions are both reactants and product likely to be found when the reaction appear to be complete, justified? उसने कहा कि दो reaction आपको दिए हैं. The formation of carbon dioxide is reversible reaction. All the reactant will be converted in the product. At the end of reaction, there will be no carbon and oxygen left. ठीक है उसने कहा कि first वाला reaction जो है वो irreversible reaction है. तो इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो रिएक्टेंट कोई नहीं होगा क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है इररिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना. तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कंप्लीट नहीं होता. तो सेकंड रिएक्शन दैट इज 2HF विल गिव यू H2 और I2. तो ये सेकंड रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. एट इक्विलिब्रियम इट अपीयर्स एज रिएक्शन इज कंप्लीटेड बट एट द स्टेज बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द क्लोज्ड गैस. तो इसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी रिएक्टेंट भी मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा बिकॉज इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. नाउ क्वेश्चन 12 कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स पिंक क्रिस्टल्स व्हेन दे आर हीटेड वाटर इज डिसॉल्व दे टर्न ब्लू. कैन यू यूज कोबाल्ट क्लोराइड एज अ टेस्ट ऑफ वाटर. उसने कहा कि कोबाल्ट क्लोराइड का एक पेपर होता है ठीक है जो ब्लू कलर का होता है. जब आप इसको वाटर में डिप करते हैं या हल्का सा वाटर ऊपर मॉइस्चर लगा देते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता देखें तो वो उसमें पिंक उसका कलर पिंक हो जाता है. दैट मींस इट टर्न्स ब्लू टू पिंक. इसका मतलब है कि ये टेस्ट ये आपको टेस्ट करता है कि आपके उसमें वाटर है कि नहीं. इवन आप हाथ में भी इस पेपर को पकड़ें तो तब भी ये ब्लू पेपर जो होता है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि आपके हाथ में मॉइस्चर. तो ये पिंक कलर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें ये देखें COCl2 प्लस वाटर आया आपके पास ये वाटर है वाटर ऐड किया तो फिर उसके बाद पिंक कैसे कलर हो गया. ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल है जस्ट अटैच हो गए. दिस इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन. इसमें डॉट आया इधर आपने प्लस का साइन लिखा है इधर आपके पास डॉट आया. सो दैट मींस दे आर अटैच विद कोबाल्ट क्लोराइड. सो दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू पिंक. सो यस वी कैन यूज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्लियर हो गया. सो अभी आपसे क्वेश्चन पूछती हूं बेटा अभी मैं जस्ट मुझे देखने दे जरा 25 बेटा वेट करें बस मैं कर रही हूँ अभी. साले आपने हैंड रेस किया हुआ है जी बेटा. ये साले आप क्वेश्चन बेटा. जी मैम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमने जो केसी एक्सप्रेशन लिखा है उसमें हमने 2BrCl जो है वो नीचे लिखा है हालांकि प्रोडक्ट ऊपर आता है तो वो हमने नीचे क्यों लिखा. वो तो प्रोडक्ट है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए. नहीं नीचे क्यों लिखा Br देखिए उसने कहा ब्रोमीन क्लोराइड डीकम्पोज थिंक टैंक का फर्स्ट क्वेश्चन ना जी.
BrCl उसने कहा डीकम्पोज होता है, तो हमने उसको इसलिए नीचे लिखा कि वो रिएक्टेंट है। आपको शुरू में उसने बता दिया कि डीकम्पोज हो रहा है क्लोरीन में और उसमें ब्रोमीन में, तो रिएक्टेंट नीचे ही आएगा ना Kc की वैल्यू, तो इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं है। सालिया समझ आ गई, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट नीचे आता है। उसने ये नहीं कहा कि क्लोरीन रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म BrCl, अगर वो ये कहता तो फिर BrCl ऊपर आता, समझ आई। उसने कहा कि रिएक्टेंट है BrCl, वो डीकम्पोज होके Cl2 और Br2 दे। क्लियर हो गया, चलें बेटा। हारिस आपको कंपैरिजन नहीं लिखवाया हुआ उसका माइक्रोस्कोपिक फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन का था। हाँ तो वही लिखना आपने, फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन। हाँ फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कही है ना, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है तो उसी में दो रिएक्शन आते हैं ना आपके पास, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं। ठीक है, ठीक है हरीश, थैंक यू। यस नेक्स्ट कौन है? यस सुरबास। मैम ये जो आपने मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे पॉइंट्स में, मैम हमने भी वैसे पॉइंट्स में लिखने हैं। जी वही पॉइंट्स में लिखने हैं, एक तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन दूसरी तरफ, चाहे आप ऊपर रिवर्सिबल पहले लिख रहे हैं बाद में क्योंकि कंपैरिजन नहीं पूछा हुआ, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर हेडिंग दे के तो नीचे आप उसके सारे चार पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसके बाद रिवर्स रिएक्शन दे उसके चार पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, और चाहे तो आप उसको दूसरी तरफ लिख सकते। जी नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? बेटा फी बिल जमा करा के मुझे इसकी रसीद भेज दीजिएगा और जल्दी भेजें, ठीक है, अदरवाइज फिर बेटा आपको SOS हो जाएंगे और फिर इसमें से मुझे जो SOS हुए उनके नाम रिमूव करने पड़ेंगे ग्रुप में से, तो बेहतर है कि आप जल्द फीस जमा कराएं और मुझे सबमिट करा दें। जी हसन, अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वो मैंने तो लाइक स्कूल से ही फीस उस दिन ले लिया था और उधर ही मैंने उसी दिन जमा करा लिया था, तो मैंने तो फीस जमा करा ली है। तो बेटा मुझे उसकी स्लिप भेज दो ना व्हाट्सएप पर। जी व्हाट्सएप पर, ठीक है, ओके। महत बेटा पूछें क्वेश्चन, क्या पूछना मैम? वो जो आपने फी बिल लिखा है ना मैम, मेरा सेक्टर सील है तो मैं कुछ नहीं कह सकता वो कब वो खुले, तो अभी तक फी बिल नहीं जमा करा सकता मैं। बेटा ऑनलाइन करवा देना। चलो मैम ऑनलाइन करा देता हूं। ठीक है, ऑनलाइन करवा के तो मुझे भेज दे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम नायब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बोलें क्वेश्चन। मैम मैं पूछ रही हूँ, कल टेस्ट है हमारा? जी कल टेस्ट है और इसी टाइम पे जिस टाइम पे आपकी क्लास होगी उस टाइम पे टेस्ट होगा, उसी पीरियड में। ठीक है मैम, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है ना, पूरे चैप्टर का है ना? पूरे चैप्टर में है क्या बेटा, याद करने वाला तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी मैम, कि मैं इसी वक्त इसी तरह लूंगी और ऑनेस्टली आपने करना है, किसी एक की ड्यूटी लगाऊंगी कि वो चेक कर ले, कल ही बताऊंगी किसकी ड्यूटी मैं लगाऊंगी, सब लोग उसको फिर जमा करा देना टेस्ट। ठीक है, की ड्यूटी लगाऊंगी, सब उसको व्हाट्सएप कर देना और फिर मैं सोल्यूशन जो है वो ग्रुप में शेयर करूँ ताकि आप सब लोग देख लो सोल्यूशन।